अस्सलाम वालेकुम जी, आर टीम मेंबर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और बाकी जो पर्सन मेरा यहाँ पर लाइव बैठे हुए हैं वो तो अटेंड कर रहे हैं, और बाकी जो है रिकॉर्डेड देख रहे होंगे या कोई सोशल मीडिया पर मेरा भाई या बहन या सर या मैम जो मेरी वीडियो ये रिकॉर्डेड देख रहा है, अगर वो फोर्सेज के हवाले से इंटरेस्टेड है, फोर्सेज में अर्निंग करना चाहता है, फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता है, या कोई भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, या अपना फोर्सेज की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप मेरे से जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में अगर कोई डाउट्स है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है या ज्वाइन करना है तो आप तब भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया। और बाकी जो फ्रेंड्स नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम एक दूसरे बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की हेल्प करते रहें। तो आल टीम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और बाकी दूसरे की जिस तरह की आप लोगों को पता ही है कि मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, तो जिस तरह की आप लोगों को पता है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा पैसा किस तरह कमाया जाए, बड़ा पैसा किस तरह कमाया जाए, उसके हवाले से जो हमारा टॉपिक है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर वो पर्सन अपने हैंडल्स करें जो कि बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है जी। हाँ, जल्दी से काइंडली एक्टिव रहा करें, मुझे एक्टिव लोग पसंद है। हैंडल्स करें, हैंडल्स जी जी। सर सुबहान और नईम भाई, आपको अर्निंग की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं बड़ा पैसा कमाना चाहते जी। शहरोज भाई वेलकम है आपका। कमाना चाहते हैं सर, क्यों नहीं कमाना चाहते हैं? आज ही तो यही नॉन वर्किंग के हवाले से आपसे टिप लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बाकी शहरोज भाई, आप नहीं अर्न करना चाहते, हैंड रेज करें, काइंडली हैंड रेज करें, इसमें मेरे भी जो है ना वो एक्साइटमेंट भी हो जाती है, और दूसरे के मैं भी एक्टिव रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग एक्टिव रहेंगे तो मैं खुद ही एक्टिव हूँ, ठीक है। तो आप लोग काइंडली कोऑपरेट किया करें, मैं भी आया करता हूँ आप लोगों के लिए, टाइम निकालता हूँ आप लोगों को समझाता हूँ, तो काइंडली इतना आप कर दिया करें कि जो मैं पूछूँ या आप फौरी से अपना वो हैंड रेज करें या रिप्लाई किया करें। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारे पर्सन हैं जो कि नॉन वर्किंग भी अर्निंग करना चाहते हैं, बड़ा पैसा भी कमाना चाहते हैं, ठीक है। चले, मैं सारे पर्सन का जो है ना जिसका नेम लूँगा, सिर्फ वही अपना माइक अनम्यूट करेगा। ठीक हो गया, चलें। मैम सना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। वालेकुम सलाम जी मैम, कैसे हैं आप? आपकी आवाज कट रही है, आप क्लियर आ रही है? जी जी, अब क्लियर है जी। मैम बताइएगा, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। वर्किंग कैसी जा रही है? माशाल्लाह अच्छी जा रही है। चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, कितनी टीम होगी आपकी? मतलब 5 मेरी अपनी हो गई और 11 मतलब टीम मेंबर्स हैं। चलें माशाल्लाह, इसका मतलब है कि मेहनत कर रही हैं, चलें अच्छी बात है। और बाकी दूसरे ये कि मुझे ये बताएं कि आपके स्लॉट्स जो हैं, जिसको हम लेवल्स, स्लॉट्स या स्टेजेस कहते हैं, वो आपके कितने ओपन हैं? सर F3 के 2 हैं, F4 के भी 2 हैं, और अब F3 का तीसरा करना, ट्रिपल एक्स का पहला करना है, ट्रिपल एक्स का नहीं, F3 का, F3 का तीसरा करना है जी सर। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है, और ठीक है। बाकी के आप दिन में कितना अर्न करना चाहती है, आपका कितना दिल करता है, मतलब मंथली या क्या टारगेट था? 3000 के ऊपर। अच्छा मैम, ये 3000 तभी होगा, बाकी ये चलें ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग ज़्यादा किस तरह अर्न कर सकते हैं, ठीक है। कह लीजिए जो पर्सन नए आ रहे हैं ना, अपने माइक और वीडियोस बंद ही रखा करें, हाँ, इस तरह जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, ठीक है। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया। और बाकी नेक्स्ट पर्सन है मैम परेशा। मैम परेशा, आपकी आवाज़ आ रही है मेरी? मैम काइंडली अपना माइक अनम्यूट करिएगा। जी मैम, अपना माइक अनम्यूट करें, इस तरह नहीं चलेगा, क्यों? ज़ाहरी बात है कि आपने, अगर कोई भी पर्सन है कल को आपने हमारी जगह पर आना है, सुना है ना, मैम अब्बासी भी सेशन देती हैं, वो भी समझाती हैं, चाहे कोई लड़का सामने या लड़की है, ठीक है। शाबाश, ये देखिए आप अपने काम देखें,
मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल फ्री हो जाएं, किसी चीज़ की आपको खबर ना हो, तभी आपको सिस्टम की समय लगेगी, तभी आपको सेशन की समय लगेगी। इस तरह आप उधर मूवी देख रहे हैं, इधर सेशन देख रहे हैं, या उधर दोस्त के साथ चाय पी रहे हैं। अब मुझे तो नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग हो सकता है कि मीटिंग को आप बस लगा कर चले गए हो। मुझे तो लग रहा है कि आप सब लोग जो है ना एक्टिव रहा करें काइंडली, ठीक है? तो मैम आप लिए काइंडली 2 मिनट के लिए अपना माइक अनम्यूट करें, आप 2 मिनट के लिए जल्दी से मैम करिएगा, टाइम बहुत कम है। जी मैम अगर कर सकते हैं जी सर, करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी मैम बताएं, और कितनी टीम है आपकी? 2 मेंबर्स, टू मेंबर्स। आपने खुद ही ज्वाइन बाकी करवाए फोर हैं? मेंबर्स जो हैं वो उस पे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, हाँ तो हाँ उनकी भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है। कब से आपने ज्वाइन किया हुआ है? मुझे हो गए हैं 15 to 16 days, आई थिंक। 16। ठीक है, स्लॉट आपका पहले ही ओपन है? जी बिल्कुल। चलिए ठीक हो गया, चलिए इतनी सी बात, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी सर शहरोज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शहरोज भाई जी, सर शहरोज मेरी आवाज़ आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट करें। चलें शायद सर को नहीं आ रही आवाज़। मैम नादी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अपना काइंडली माइक अनम्यूट करिएगा जल्दी से, सिर्फ 1 मिनट के लिए जल्दी करिएगा, टाइम बहुत कम होता है। और आप सब लोग पार्टिसिपेट किया करें, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप लोग यहाँ पर नहीं बोल सकेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे जल्दी से, ठीक है? अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट करें। चलें मैम का शायद इशू है। चलें जी सर, अबू सर आपको मैं इनवाइट करता हूँ, आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं आप? जबरदस्त, आपकी दुआएं हैं बस। आप सुनाए कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी सर बताइएगा कि आपने अपना $100 किस तरह कंप्लीट किया है, और आप नॉन वर्किंग, आपने तो एक ज्वाइनिंग करवाई है लेकिन आपको $15 की प्रॉफिट हुआ है, वो आपने किस तरह किया, और आप इतनी जल्दी, मतलब कि माशाल्लाह आप इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, और क्या इसकी वजह है, और किस वजह से आप इतनी नॉन वर्किंग भी अर्न कर रहे हैं और साथ में अच्छी इनकम भी कर रहे हैं? सर थोड़ा सा अपना करिएगा पेश। बेसिकली ना जिस भी फील्ड के अंदर आप एक दफा आ जाते हैं ना, अपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर जहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, अगर आपने मतलब फोर्सेज को ज्वाइन किया, किस लिए किया? आपने इसलिए ज्वाइन किया भाई कि भाई इसमें से हमने अच्छी अर्निंग करनी है। जो भी पर्सन यहाँ पर बैठे हुए, हर पर्सन से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ भाई कि जो भी आपके पास पेंडिंग पर्सन हो, जिसे आप गाइड कर रहे होते हैं, उन्हें जब ये बता रहे होते हैं भाई कि 4 तरह से आपको अर्निंग आती है, मोस्ट उसके ये उसका क्लियर कॉन्सेप्ट कर देना चाहिए भाई कि ना इसमें सर आपको 4 तरह से अर्निंग होती है, ठीक है ना? तो ये सर ने जो क्वेश्चन किया है ये तो मैं क्लियर करता ही करता हूँ, लेकिन ये जो सा भाई था हमारा जो यहाँ पर कह रहा था, इसे मतलब मुझे लगता है किसी ने इसे अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया, ठीक है ना? इसे बताया नहीं सिस्टम के बारे में। बेसिकली जो सिस्टम के बारे में समझ आता है तो वो ऐसी बातें कभी भी नहीं करता, ठीक है ना? उसे जब जो भी न्यू पर्सन है उसे आप कह रहे होते हैं भाई कि इसमें सर 4 तरह से अर्निंग होती है, कैसे? एक तो अपलाइनर की तरफ से, अपलाइनर की टीम की तरफ से, और इसमें सेल्फ के करने से एंड सेल्फ की टीम से, ठीक है ना? आपने 4 तरह से बता दिया, ठीक है? अब उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है भाई कि अपलाइनर और अपलाइनर की टीम की तरफ से आती है, 100% यकीन है आती है, लाजमी मस्ट है आती है, ठीक है ना? आपको भी पता है, ठीक है, आपने बता देना है, ठीक है? लेकिन कब आती है, कितनी आती है, ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर आए, महीने के अंदर आए, 2 महीने के बाद अंदर, अभी मैं बताऊं ना मेरे अपलाइनर की तरफ से मुझे अभी कुछ भी नहीं आया, और इसमें ये मैं कहूँ भाई कि यार लो भाई ये इसकी तरफ से तो आती कुछ नहीं मेरे तक, मुझे मैं अपनी अगर बात करूं मेरी टीम के अंदर से भी अभी तक मुझे नॉन वर्किंग के कोई भी रिसीव नहीं हुआ, मुझे तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गया, लेकिन मुझे पता है सिस्टम के अंदर आती है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आ भी रही। मेरी टीम के अंदर 4-5 पर्सन है जिन्हें नॉन वर्किंग आई है, ठीक है ना? वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर, और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह पता है इसमें नॉन वर्किंग आती है, हालांकि मुझे नहीं आई, इसीलिए भी मुझे यकीन है। बाकी मेरे 2 पर्सन थे उन्होंने लेवल अपग्रेड किया है, तो वैसे भी आज मेरे $100 कंप्लीट हुए हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये, आप फील्ड के अंदर आ गए हैं ना, फील्ड के अंदर आ गए, इसके अंदर ये ना आप कहें कि बहाने ना बनाएं,
मेहनत आप खुद नहीं करते, ठीक है? आपको जो सर कहते हैं, सर इरफान या सर हलीम कहते हैं, वो मीटिंग दे लें, यकीन करें वो दो दो चार चार घंटे आपको मीटिंग दे दें, कोई फायदा नहीं उनका जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते। वो कहते हैं 2 घंटे फेसबुक पर दे, तो आप क्यों नहीं देते? ठीक है, आपको पता, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सिंसियर हो, काम करना चाहते हो, तो आप करेंगे, लाजमी करेंगे, ठीक है ना? अभी ये जो से हमारे दरमियान जो भी हैं, तो इनका अगर मैं बात करूं तो ये अभी इनकी ज्यादा एज नहीं, ठीक है ना? अभी ये इसे सीरियसली नहीं ले रहे, इन पर कोई घर से भी वो कहते हैं ना बोझ वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई जिम्मेदारी नहीं इन पर। अगर जिम्मेदारी हो ना तो ये यकीन करें इतने अच्छे तरीके से काम करें भाई, क्या दिन के अंदर ही काफी अच्छी इनकी अर्निंग हो। बेसिकली कहते हैं बस ठीक है ज्वाइन हो गया, वो सीरियस नहीं लेते। आप कोई भी बिजनेस है, जब तक आप उसे सीरियस तरीके से नहीं करते तो वो आपको पे आउट नहीं देता। मैं अपनी बात करूं तो मैं इसे 2-3 हफ्ते तक सीरियस लिया ही नहीं। मैंने कहा चले ठीक है बस आ जाएगी, वो बैठे हुए हैं सारा कर रहे हैं काम, ये वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान का टारगेट बन जाता है, पुख्ता यकीन हो जाता है भाई मैंने इंशाल्लाह इतना अचीव करना है, तो मैंने बेसिकली रखा था टारगेट $200 का, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह $100 कम्प्लीट हो गया, इंशाल्लाह अचीव करना है मैंने 200। तो जब इंसान का किसी भी चीज पर यकीन हो जाता है ना, और पुख्ता यकीन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद प्लानिंग आपकी आ जाती है, प्लान आपको, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपके लिए आसानी कर देता है, ये कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है। आप हमारे दरमियान काफी ज्यादा आप बैठे होंगे, वो कहते हैं लो जी मेहनत वो खुद नहीं करते, और वो नाम किसका ले रहे होंगे, सीनियर का, लो जी इन्हें इसने तो फंसा दिया, ये हो गया वो हो गया। अभी के मैं अपनी पर्सन अपनी टीम की बात करूं तो वो भी इतना मतलब कोई खास इसमें कर नहीं रही, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें डेली बेस पर बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। तो जो आते हैं इसमें बेसिकली जो से स्लॉट ओपन करना वो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सर ने कहा इसका क्या फायदा है, स्लॉट ओपन करने का क्या फायदा है, तो मैं ये आपका डाउट पहले क्लियर करता हूँ। जो स्लॉट होते हैं ना, स्लॉट सबसे इनकम बड़ी, जो बड़ी इनकम है ना उसका राज ही स्लॉट के अंदर है, ठीक है ना? अगर आप $5 से पहले पहले लेवल पर अटके रहते हैं, ठीक है, तो आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं इसमें यही कह सकता हूँ $5, $10, 5 या 10, 5, 10 इतने ही बस आते हैं आप, ठीक है ना? तो इससे ज्यादा नहीं। अगर आपने स्लॉट यहाँ पर ज्यादा ओपन करते हैं, अभी देखें सर ने मुझे कहा भी कि अपना या XXX का स्लॉट ओपन करो, तो मैंने सिंपली उस दिन नहीं उससे अगले दिन मैंने स्लॉट ओपन कर दिया, तो शायद आपने वीडियो वगैरह भी देखी हो, तो मुझे पता है सिस्टम के बारे में। अभी देखें यकीन करें मेरा $100 हो गया है, अभी तक मैं अपनी बात करूं तो मैंने तकरीबन $10 थे कल, वो मुझे बहुत ही इमरजेंसी थे इसलिए मैंने विड्रा लिए, तो यकीन करें मैंने वो भी नहीं लेने थे, अभी तक मैंने 1 रुपया भी कह सकते हैं विड्रा नहीं लिया कल के अलावा, ठीक है ना? जब से अब मैं ये नहीं कहूंगा अभी कि लो जी मैंने इतने इन्वेस्ट कर दिए, ये हो गया वो हो गया, नहीं, मैं सर इरफान से सीखता था, ठीक है, ये मुझे टाइम नहीं देते थे, कोई मसला नहीं, ये बिजी होते हैं अपने पर्सन को इन्हें ज्वाइन करवाना है, मैं इनसे हटके अलहदा से आप ग्लोबल टीम की थी डेली बेस पर उनकी मीटिंग लेता हूँ, अमित कल्लू की होती है वो देखता रहता हूँ, ठीक है। अपने खुद से जब आप सीखना शुरू हो जाते हैं, खुद से बाहर से नॉलेज लेना, आपके अंदर शौक जब आ जाता है ना, तो आप ये पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं। वो कहते हैं ना, मैंने आपसे पहले भी बताया भाई, 1 लाख अगर कमाना है तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, अगर नॉलेज नहीं तो फिर नहीं आ सकता, ये सिंपली बात है, ठीक है, पढ़ी लिखी बात है, आपके पास अगर नॉलेज नहीं है ना तो भाई सिंपली बात है आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? जिस बंदे के पास नॉलेज होता है और उसके पास पैसा 1 भी रुपया भी नहीं है ना, तो इनशाला वो इसमें से अर्न कर लेता है, ठीक है। जब वो स्टेज के अंदर आता है, वो लोगों को बताता है, तो वेल डन, बहुत अच्छी है, लोग भी तालियां बजाते हैं, इंशाल्लाह इज्जत भी, शोहरत भी, सब कुछ है। तो बेसिकली मैं जो आपको बता रहा हूँ ना भाई, कि इसमें लर्निंग करें, लर्निंग, ठीक है ना? अभी आप सभी की, मेरे समेत सभी की लर्निंग बिल्कुल जीरो है, सही बताऊं सिस्टम के बारे में हमें ना, तो हमें बिल्कुल शौक नहीं है भाई कि सिस्टम को समझने का, ना हमारा रुझान है सिस्टम के अंदर बेसिकली वो बता रहे हैं, ठीक है ना? मैं भी अपनी टीम को बता रहा हूँ, इरफान भी बता रहे हैं, सर हलीम भी बता रहे हैं, ठीक है, अमित कल्लू भी हो गया, वो बता रहे हैं भाई डिसेंट्रलाइज सिस्टम कर लें कर लें कर लें, लाइफ टाइम के लिए अकाउंट बन जाए, लेकिन हमारे दिमाग है जो थे वो अल्लाह हाफिज है उनका, मतलब समझ नहीं आ रही, ठीक है, हम लर्निंग कर ही नहीं रहे। हालांकि होना क्या चाहिए, हमारी जो जितनी भी टीम है, ड्रीम अचीवर है, गेम चेंजर है, तो हमें ये होना चाहिए हमारे दरमियान, ये कुछ हम कह लें भाई कि प्लानिंग होनी चाहिए भाई कि डेली बेस पर जो हमारे अमित कल्लू साहब हैं वो मेहनत करते हैं, वो मतलब मीटिंग देते हैं, हमें डेली बेस पर उन्हें लेनी चाहिए। तो इनशाला मैं गारंटी के साथ आप कहता हूँ, आपसे ये कह रहा हूँ भाई कि इनशाला अगर आप मीटिंग वो कह लेते हैं, वो जिसे कहते हैं ना आप ठान लेते हैं भाई कि इनशाला हमें मीटिंग लाजमी लेनी करनी है, कुछ ना आधा घंटा ही सही, ठीक है ना, आधा घंटा ही सही, मैं आपने लर्निंग करनी है डेली बेस पर, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छी इनकम कर सकती हैं, आपके पास बहुत नॉलेज आ सकता है, कल को आप जब एक अच्छे लीडर बनते हैं तो अपनी टीम को इसमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं, ठीक है ना? तो बाकी मैं बड़ी दफा कहा है भाई कि सीखा करें, तो और रही बात हमारे स्लॉट की, तो स्लॉट में इंशाल्लाह ओपन कर रहा हूँ,
तो इंशाल्लाह फिर आज या कल इंशाल्लाह कोशिश है एक्स गोल्ड का मैं सेकंड वाला ओपन कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है उसमें नॉन वर्किंग आती है और 100% अभी तक अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है ना तो मुझे पता है, लेकिन आती है कब आती है कितनी आती है वो नहीं मुझे पता, अच्छा लेकिन सर आएगी अब, जरूर। ये मेरा अच्छा सर अब सर ये बताइएगा कि आपने जितने भी स्लॉट्स ओपन किए हैं, कि आपकी जब टीम ने अपग्रेड किए हैं, क्या आपको उन स्लॉट की कोई फायदा हुआ है ओपन करने से? बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, जरा बहुत इनको ये भी फायदा गाइड होता है कर दें। स्लॉट की। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना अभी मेरी टीम के अंदर, यानी कि आज मेरी 14% की टीम बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्लीट हुई है। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ भाई कि इसमें क्या होता है भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल X3 का मैंने 3 स्लॉट ओपन किया, X4 के 2 किए हैं, XXX के भी 2 हैं, X Gold का पहला है, ठीक है ना। तो अब देखें मैंने सिंपली X3 की अगर बात करता हूँ तो उसमें मेरे 3 स्लॉट ओपन है। अब मेरी टीम के अंदर एक बंदा बैठा है, सेकंड पार्टनर है मेरा, उसके पास यकीन करें 5 मेरी तरफ से नॉन वर्किंग आए, यानी कि मैंने वर्क किया उसके थ्रू आप उसे अर्निंग हुई $5, और एक उसने एक डायरेक्ट अपना लगाया उससे उसे डायरेक्ट उसको $10 आ गए, ठीक है, यानी कि टोटल $15 आ गए। अब मैंने क्या किया, $5 के उसे BN भी लेकर दे दिए, ठीक है। मैंने कहा चले यार 4-5 आप लेवल अपने अपग्रेड कर ले, तो एक दफा BN भी 5 के इकट्ठे ले लेते हैं, ठीक। अब उसने क्या किया, वो X3 के अंदर सेकंड वाला अपना लेवल अपग्रेड किया और 100 का 100% ही मुझे गया, ठीक है ना। 100 का 100, यानी कि $10 उसने इन्वेस्ट किया X3 के अंदर। मैंने पहले भी आपको बताया था X3 के अंदर आप 10 से आए, 20 से आए, ठीक है, 40 से आए या 60 से आए, वो सीधे आपके अकाउंट के पास जाते हैं, किसी तीसरे बंदे, तीसरी थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसीलिए मैं स्लॉट ओपन कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरी टीम इंशाल्लाह ग्रो करेगी ऐसा ऐसा, उन्होंने स्लॉट भी ओपन करने हैं, तो टीम भी जब तभी ग्रो करेगी जब आप इसमें अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है। अगर मैं चाहता तो मैं सिंपली इसमें से विड्रा भी ले सकता था, ठीक है ना। मुझे मतलब इसमें कोई ये तो नहीं कहेगा अभी कि विड्रा क्यों ले रहे हैं, लेकिन मुझे पता है भाई मैंने अच्छी अर्निंग करनी है, ठीक है ना। जो बड़े पैसे इसमें फोर्सेज के अंदर बड़ा पैसा कमाना है तो उसके लिए स्लॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं वो स्लॉट ओपन कर रहा हूँ। और मेरी टीम के अंदर अभी तक 2 पर्सन है जिन्होंने X3 के अंदर दूसरा दूसरा स्लॉट ओपन किया है, और उससे मुझे $20 नॉन वर्किंग या टीम की तरफ से रिसीव हुए हैं, ठीक है। चले सर, ये चले सर, क्लियर बहुत ना? जी जी बहुत शुक्रिया, ठीक है। अच्छा मैम आयशा, मेरे आपको आवाज़ आ रही है मेरी? काइंडली अपना माइक अनम्यूट करिएगा। जी सर, आ रही है आवाज़? आपकी आवाज़ आ रही है मुझे? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। लीजिए। जी मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा कि आपने जब स्लॉट ओपन किया था, मैंने आपको कहा था कि स्लॉट आप अपग्रेड कर लें, आप एकदम से परेशान हो गए, आपने कहा कि सर मेरा तो अकाउंट ही खाली हो गया, मेरे तो 10 के 10 डॉलर चले गए। तो मैम मुझे ये बताएं कि क्या आपको भी कुछ फ़ायदा हुआ है अपग्रेड करने से, कोई फ़ायदा हुआ है? आप मानती कि जी हमें स्लॉट्स ओपन करने चाहिए? जी थोड़ा सा बताइएगा अपना। जी हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत फायदा हुआ है। और ये जैसे आपने कहा था कि आपको नहीं पता, ये बिल्कुल आपको फायदा देंगे, आप बस स्लॉट ओपन करें। तो वो मैंने जैसे ही स्लॉट ओपन किए हैं तो ये अब जहरा की तरफ से ना मुझे $10 आए हैं, बिल्कुल मुझे फायदा हुआ है, नॉन वर्किंग आई है मुझे माशाल्लाह से। मैम आप ये और मानती हैं कि हमें स्लॉट ज़्यादा आगे बढ़ाने चाहिए, आपका दिल करता है ना आगे स्लॉट बढ़ाएं? जी सर बिल्कुल दिल करता है, मैं तो खुद कह रही हूँ कि अभी अबुजर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें चाहिए कि पहले स्लॉट ओपन करें, इस तरह से हम बिजनेस में स्ट्रांग हो जाएंगे। बिल्कुल हमारे वो कहते हैं ना, एक बुनियाद लग जाती है, बेस बन जाती है, उसके बाद फिर हम साथ साथ जैसे भी हमें अर्निंग जो है हमें अपने से भी आएगी और नॉन अर्निंग भी आएगी, जो कि वो बहुत ही हमें फायदेमंद है, जी। उसके लिए ये ऐसे स्लॉट ओपन करना बहुत बेहतर। जी चलिए ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। जी सर।
सॉरी माइक बंद था तो मैं वैसे ही बोल रहा था। अच्छा दरअसल ये कि मैं आप लोगों को बता रहा, जिस तरह मैम आयशा बता रही है कि उनको अभी स्लोडोनोन X3 का दूसरा ही सेकेंड लेवल कल परसों ही ओपन किया, तो उनको जो है $10 का बेनिफिट हो गया, जो कि $10 बनते हैं 2400 रुपये। ठीक है, इसी तरह मैं आप लोगों को अपना बताऊँ तो X3 में मेरे 4 स्लॉट्स ओपन है, X4 में मेरे 400 स्लॉट ओपन है, XXX में भी 2 हैं, XGold में भी 2 हैं। अगर मैं बताऊँ तो XXX3 से मुझे, अगर सिर्फ इनकम X3 की बताऊँ तो 24,000 रुपया मैंने अर्न कर लिया सिर्फ X3 की तरफ से। ठीक है, X3 सर्व से मैंने 24,000 अर्न किया है, X4 से मैंने लगभग 10 से 12,000 अर्न किया है, और अगर XXX आप लोगों को बताऊं तो मैं XXX की तरफ से मैंने $2.5 कमाए हैं, जो कि बनते हैं लगभग जो है ना ₹700 बनते हैं। ठीक है, सिर्फ 700 मैंने XXX की तरफ से कमाए हैं, एक्स गोल्ड की तरफ से इंशाल्लाह जल्दी आएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह कि अगर नॉन वर्किंग का बताऊँ मुझे अपलाइन की तरफ से मुझे $15 रिसीव हुए, 3 दफ़ा नॉन वर्किंग आए हैं। ठीक हो गया, तो इसका मतलब कि मेरी नॉन वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो इसलिए कि आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है ना वो स्लोट्स अपने अपग्रेड करें। अगर देखें आपके पास दो रास्ते हैं ज़्यादा अर्निंग करने के, क्या या तो आप अपनी जेब से लगा लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप अपनी जेब से पैसे लगा लें। ठीक है, अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती, आप मेरी तरह नॉर्मल फैमिली से हैं, मिडिल फैमिली से हैं, मैंने क्या किया, मैंने ठान लिया भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 20,000 लगा दूँ, 30,000 के स्लॉट्स ओपन कर लूँ, नहीं मेरे पास नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने ये ठाना, मैंने कहा यार एक्टिवली वर्क करूँगा, जो पैसे टीम की तरफ से आएंगे, जो मेरे काम करने से आएंगे, जो अपलाइन की तरफ से आएंगे, उससे मैं स्लॉट्स ओपन कर लूँगा। ठीक है, और अगर बताऊँ तो मैंने विड्रा जो है वो लगभग 14,000 रुपये का विड्रा मैं ले चुका हूँ, मेरी मजबूरी थी और इसी वजह से, काफ़ी मजबूरी थी घर वालों की तरफ से, इस वजह से मैंने जो है ना 14,000 का विड्रा लिया है, बाकी मैंने स्लॉट्स ओपन कर लिए अपने। ठीक है, अगर कल बताऊँ तो मैंने ₹10,000 लगाया है, जो कि $40 वाला स्लॉट मैंने अपग्रेड किया है। ठीक है, तो इस तरह ये है कि अगर आप लोग हमें फॉलो नहीं करेंगे, जिस तरह ये जो पर्सन मुझे फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा हो रहा है और आप लोगों को भी इंशाल्लाह होगा। दूसरा मैं बता रहा था कि आप लोग एक तो जेब से लगा लें, नहीं तो इतनी मेहनत करें, इतनी एक्टिवली वर्क करें, अपनी टीम की तरफ से इनकम करें, खुद मेहनत करें, आपको अपलाइन की तरफ से भी कभी आ सकता है, तो आप जो है ना अपने स्लॉट बढ़ाएं। ठीक है, आप लोगों को स्लॉट बढ़ाएं। अभी ये कि मैं इस मंथ का अलहमदिल्ला, जिस तरह के अब सर अबूजर बता रहे थे कि मेरा इस मंथ का टारगेट है $200, अलहमदिल्ला अगर बताएं तो आज 14 तारीख है। ठीक है, 14 तारीख है, अभी आधा मंथ हुआ है, इसका मतलब ये कि आगे वाले आधे मंथ में ये 100 $200 इंशाल्लाह, जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं, मेरी दुआएं इनके साथ, अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबी करे। अगर बताऊँ तो सबसे ज़्यादा अर्निंग इसकी वजह से मुझे ज़्यादा आई है। ठीक है, बाकी भी हसन की भी तरफ से मुझे इनकम आई है, मैम आयशा की तरफ से भी आई है, काफ़ी पर्सन की तरफ से, अरसलान की तरफ से आए, उसने तो 30,000 के स्लॉट ओपन किए थे, 30,000 मुझे सेंड किया, कहता सर ये पकड़े, मुझे सिस्टम की समझ लग गई है, मैं जो है ना आप स्लॉट ओपन करना चाहता, उसने 30,000 मुझे दिया, मैंने ग्रुप में भी सेंड किया था, आप लोगों को पता है जो ओल्ड है ना उनको पता है कि आए थे। ठीक है, तो उन्होंने स्लॉट अपग्रेड किए, तो माशाल्लाह उनको भी जो है ना वो नॉन वर्किंग का आ रही है। ठीक है, तो इस तरह ये कि देखिए मैंने इस मंथ का टारगेट रखा कि 50 से 60 हज़ार के दरमियान कमाऊँ, तो वो लगभग 10, 200 या 220 डॉलर बनते हैं। ठीक है, तो ये कि इंशाल्लाह अगर वो कंप्लीट होते हैं तो इस मंथ में मेरी इंशाल्लाह 1 लाख इनकम हो जानी है फोर्सेस से। ठीक है, तो ये कि आप लोग जो है ना वो अपने स्लॉट्स को बढ़ाएं। ठीक है, मैं बढ़ा रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, मैं सिस्टम को समझ रहा हूँ, इसी वजह सिस्टम आगे मैं बताऊँ तो मैं एक दिन का कमाता था ₹1200। ठीक है, $5 आ गए, $10 आ, हद इससे ज़्यादा नहीं आते थे, अब मुझे आते हैं कभी $20, कभी $30, $40 अभी तक नहीं आए, $30 तक आए हैं। ठीक है, $40 का अगर बताऊँ तो मेरी एक दिन की इनकम थी 10,000, एक दिन की, एक दिन मेरा 10,000 क्रॉस कर गया, 10,000 की इनकम मुझे एक दिन की हुई, वो क्यों हुई थी, मेरा स्लॉट अपग्रेड किया था मेरे नीचे वाले मेंबर ने, उसका मुझे फ़ायदा हुआ था। ठीक है, अब कल हलीम को, सर हलीम को कल नुकसान हो गया 10,000 का, क्यों, क्योंकि मैंने उनको बहुत बार कहा था कि सर आप अपना स्लॉट अपग्रेड कर लें कर लें, तो सर अमताज ने बताया था अगर आप अपने अपलाइन को 3 दफ़ा कहते हैं ना कि सर स्लॉट अपग्रेड कर लें, अगर वो नहीं आपकी बात मानता आप भाई करें, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप किसी के गुलाम नहीं है, मेरे गुलाम नहीं है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मैं फॉलो करने का कहता हूँ, ये नहीं कहता कि आप मेरे नीचे आए, देखिए आप लोगों को फ़ायदा है अपग्रेड करने का, मुझे कुछ भी नहीं फ़ायदा, अगर आ गया तो सही है, तो ये कि अगर ना आया तो आप लोगों को फ़ायदा है उस चीज़ का। ठीक है, तो उन्होंने कहा $10,000 का अपग्रेड जो है ना, $40 का लॉस भी हो गया, उसके बाद एक उनका जो है ना X3 का तीसरा लेवल भी फ्रीज हो गया, कितना नुकसान किया उन्होंने, तो ये उनकी गलती है, मैंने उनको कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप अपना कर लें, मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ, तो मैंने अपग्रेड कर लिया। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप जब भी स्लॉट ओपन करें, जब भी अपग्रेड करें, आप अपने अपलाइन से रब्ता करें, सर आपके क्या स्लॉट अपग्रेड हैं तो मैं अपग्रेड कर लूँ, जो आपको इजाज़त देता तो आप जो है ना वो अपने अपग्रेड कर लें।
ठीक है। तो इस तरह ये कि देखें, मैं पहले 5 से 10 डॉलर कमाता करता था, आज जो है ना मैं 5,000 भी कमाता हूँ, 4600 भी कमाता हूँ। आप लोगों के सामने स्टेटस में लगाता हूँ कि मुझे 20 डॉलर नॉन वर्किंग रिसीव हुए हैं। किस तरह हुए हैं कि वो मुझे नॉन वर्किंग आए हैं, ठीक है, स्लॉट की पावर की वजह से। इस तरह आप लोग जो है ना वो स्लॉट अपग्रेड करें आप लोग अपने, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग स्लॉट अपने अपग्रेड करेंगे, तो काइंडली जल्दी से वो अपने पर्सन अपने हैंड रेज करें जो कि कहते हैं कि सर मैं अपने स्लॉट्स अपग्रेड करने की कोशिश करूंगा। जी जल्दी से हैंड रेज करें जो कहते हैं कि हम अपने स्लॉट अपग्रेड करेंगे सर। जी जी माशाल्लाह, जल्दी से हैंड रेज करें, जल्दी से, टाइम बहुत कम है, काइंडली एक्टिव रहा करें। जी जी माशाल्लाह, काफ़ी पर्सन है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग करेंगे। आप लोगों को ना फ़ायदा हुआ तो मुझे पकड़ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये कि आप लोग फॉलो करें, अगर आप इजाज़त नहीं देते, अगर आप अपनी जेब से नहीं लगा सकते, आप इतनी मेहनत करें। देखिए हम लोग आपको डीलिंग का तरीका बता रहे हैं, ट्रैफिक लाने का बता रहे हैं, ज़्यादा पैसे कमाने का बता रहे हैं। अब जिस तरह की मेरा इस मंथ का टारगेट है, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताऊं तो 100 डॉलर मेरे भी हो गए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में मेरे भी हैं, इंशाल्लाह ये 15 दिन में 100 हो गए, तो मेरी 1 लाख इनकम इंशाल्लाह हो जाएगी। और जो मैंने टारगेट रखा था, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि मैं स्लॉट अपने अपग्रेड करूँगा, जो कि 20,000 के स्लॉट्स थे, तो वो मैंने अपग्रेड कर लिए। अब भी मैं करूँगा अपने लेवल अपग्रेड, आगे भी करूँगा, ठीक है। तो ये है कि आप लोग वो स्लॉट्स अपने अपग्रेड करें, ठीक है, जो इनकम आती है। अगर आप मुझे फॉलो करें, अगर आप लोगों को मैं अच्छा एक रिकमेंड करूं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप 6 महीने तक इनकम ना निकालें। देखिए पानी से रोटी खा लें, खाना पानी से खा लें, बर्दाश्त की कर लें, बर्दाश्त करें, लेकिन बर्दाश्त 6 महीने के बाद आप लोग क्या बनेंगे, क्या आप लोग कमा सकेंगे, वो आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो आप लोग 6 महीने तक विड्रा ना लें, अगर सख्ती मजबूरी है, मेरे घर में मजबूरी है, क्योंकि मेरे वाल साहब का इशू होता है, तो मैं जो है ना वो विड्रा ले लिया करता हूँ, तो मेरी मजबूरी, आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है, पार्टी में जाना है, दोस्तों को कुछ पिज़्ज़ा खिलाना है, कोई चिल करना है, तब ना निकालें। कोई एमरजेंसी बन जाती है, कोई बिल ज़्यादा आ गया है, कोई मामला घर का बन गया, तो आप अपने वालदैन को सपोर्ट करें। हम अपने वालदैन को सपोर्ट करने के लिए ये अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। चले यहाँ तक, अगर किसी कोई पर्सन का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ ले, आज के हवाले से किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नॉन वर्किंग का पता लगे। अगर नॉन वर्किंग के हजरात का बताऊँ तो वो जो है ना वो X4, XXX और X Gold की तरफ ज़्यादा फोकस रखें, ठीक है जी। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अपना माइक अनम्यूट कर सकता है, अगर नहीं है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे, सर क्लियर है हर चीज़। जी जल्दी से करिएगा, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार कर रहा हूँ। गुड हो गया जी जी जल्दी से बाकी भी अपने करें। ठीक है मैम जहरा, ठीक है शरोज, नईम भाई, नादिया और नवीद भाई, जवेद, जिन्होंने अभी नहीं किया वो काइंडली से जल्दी से अपने रिव्यूज़ दें जल्दी से। चलें माशाल्लाह सभी का क्लियर है। जी सर नईम, क्लियर है आपका? अभी कोई सवाल है नॉन वर्किंग है तो पूछ लें, कोई मसला नहीं। नहीं सर, माशाल्लाह आपने अच्छा तरीके से समझाया, इंशाल्लाह हम इसको फॉलो करेंगे, जी जी सबको एक साथ लेके ग्रो करेंगे। अच्छा वो भाई जो ग्रुप में था वो कौन था जो कह रहा है कि मुझे नहीं आ रहा, ये तो बंदे फंसाने वाला काम है, वो पता नहीं कौन था बंदा। अब ये देखिए ना, इस तरह ग्रुप में जो है ना नेगेटिविटी फैलती है। अब देखिए क्या मैंने वो जी मुझे सॉरी सर, वो मुझे आप ही लग रहे हैं, आप ही वो हैं। नहीं नहीं वो तो मैं हूँ ना, मतलब इरफान तो मैं हूँ, लेकिन ये कि जो बोल रहा है वो कौन है? अरे आप ही बोल रहे हैं। नहीं नहीं यार उधर कौन बोल रहा था? सॉरी मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं मुझे नहीं पता। ठीक है चले कोई मसला नहीं, बाकी आप नंबर देख लीजिएगा, मैं तो वॉइस मेरी होती है, लेकिन जो बंदा कह रहा है कि सर जी जी मैम जवेद भाई आप अपना माइक अनम्यूट करके बोलें, इस तरह समय नहीं लगेगी, पूछ लें, कोई मसला नहीं, बाकी मीटिंग तक रहें सुने आप लोग, कोई फ़ायदा ही होगा आप लोगों का। जी सर जवेद आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी जी सर बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ सलाम जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। हाँ मेरा मेरा ये क्वेश्चन है कि 3x के बजाय 4x अपग्रेड कर सकते हैं, बड़े पहले 3x ना करें, पहले ही 4x करें? जी जी आप कर सकते हैं, आप XXX भी कर सकते हैं, X Gold भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों ने ज्वाइनिंग करवानी ना किसी की, तो वो शर्त है कि आपका X3 का X4 का पहला पहला लेवल अपग्रेड होना चाहिए, लेकिन बाद में आपका जो दिल करता आप लोग वो कर लें, ठीक है।
और लेकिन ये X3 भी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त प्लान है। क्यों? क्योंकि जो है ना X4 की तरफ से वो अगर आपका लेवल कोई नीचे वाला मेंबर अगर अपग्रेड करता है तो हो सकता है वो कभी आपको इनकम ना मिले, आपके अपलाइन को चली जाए, कभी हाफ आपको मिले आपके अपलाइन को मिल जाए। लेकिन X3 जो है ना वो प्लान, वो अगर $5 वाला तो 5 का 5 ही, 40 वाला 40 का 40 ही आपको मिलेगा, वो 100% आपको देता है, ये फ़ायदा उसका। ठीक है, सही है। हाँ। अगर आपको XXX का बता दूँ, XXX के नॉन वर्किंग किस तरह आती है, आपके 3 अपलाइन की काम करने से। जिस तरह के एक मिसाल है कि जावेद भाई आप मेरे, एक मिसाल है कि आप मेरे डायरेक्ट हैं, मैं आपका अपलाइन हूँ, मेरा अपलाइन हलीम है, हलीम का अपलाइन है चौहान। ठीक है, इस तरह ये कि 3 जो अपलाइन है ना वो काम करेंगे, उसकी जो टीम काम करेगी, जो उसकी क्रॉस लाइन होगी जब वो काम करेगी XXX की तरफ से, तब आपको इनकम आएगी। लेकिन जो X Gold है वो आपको पूरी दुनिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तकरीबन लाखों में लोग फोर्सेज का जो यूज़ कर रहे हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त आपको किसी की तरफ से भी आपको X Gold की तरफ में आ सकता है। ठीक है, ये फ़ायदा है XXX X Gold का। ठीक है, लेकिन जो X4 है वो आपके अपलाइन और आपकी जो उसकी जो क्रॉस लाइन है आपकी टीम की तरफ से या आपके काम करने से, तब आपको इनकम आएगी। ठीक है, ठीक है सर, और किसी का कोई सवाल हो? क्लियर है, चलें सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो बाकी जो है ना वो काइंडली जो है ना जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में जो है ना वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, अगर अच्छी लगी आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है। और बाकी के ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।